ओके अब ध्यान देंगे सब। तो हम लोग आज स्टार्ट, बेसिकली आज आपको एक बुकलेट मिली होगी मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। उस बुकलेट में जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो हमारे फिजिक्स में हेल्पफुल हैं, वो सब मैंने एक तरफ से आपको दिए हुए हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हैं, बेसिक एलजेब्रा भी उसमें आपके पास है। तो बेसिकली उसमें जितना भी कंटेंट है वो सभी पूरा आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो उसमें जो पार्ट है आपके से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, वो धीमे धीमे आप उसको क्या करना है, आपको मगअप करना है। इनकेस कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको नई फॉर्मूला आता है, तो आप उस बुकलेट को देख सकते हो, उसमें वो आपको फॉर्मूला डेफिनेटली मिल जाएगा। अब मेनली उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी, मतलब 9th 10th में आपको नहीं कवर किया। वो एक पार्ट है उसमें डिफरेंशिएशन, एंड सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेशन। मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करूं, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का पार्ट है जो आपका मैथ्स में आता है, और मैथ्स में हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये 12th में कंप्लीट करेंगे। बट अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में हमें पूरे 11th में और 12th में हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एक बेसिक नीड तो हमें हर जगह पे रहेगी। तो इसलिए अभी हम लोग एक फंडामेंटल लेवल पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ उतना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट करा रहा हूँ, सो दैट हमें फिजिक्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो मैथ्स में जो आपको करना है, वो मैथ्स में 12th में आपको खुद ही कराया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट पार्ट है, आपने पहले ऐसा नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा केयरफुली समझिए। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको आपको एग्जैक्टली क्या करना है, मगअप करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, देखो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहले देखो, ठीक है हम फॉर्मूले मगअप कर लेंगे, बट हमें एक बेसिक मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। मतलब हम जब डिफरेंशिएशन की बात करें, हम कह रहे हैं किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले अभी मैं इस बात पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके जितने भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूले हैं वो हम लोग मगअप कर लेंगे। अब देखो अगर डिफरेंशिएशन को समझना है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये x एक्सिस और y एक्सिस, अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस की बात करूं, मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और ये स्ट्रेट लाइन ये एंगल आपके थीटा दिया हुआ। तो आपको पता है अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चा, अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसका स्लोप टैन थीटा, इसी को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। मतलब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो टैन थीटा ये आपका बताओ ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, और अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करें बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम कहीं पर भी एंगल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल से आपके पास एंगल कहीं पर भी देखोगे आप, हर जगह पे आपको एंगल बताओ कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, टैन थीटा इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। अब देखो यहां पर जो थीटा पे ध्यान रखना, ये जो थीटा हम लोग लेते हैं, ये थीटा आपके पास की बात करें इट इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम इसको जब भी थीटा की बात करेंगे तो थीटा हम लोग एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे, और हमेशा जो है ना थीटा किससे लिया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, ये हमारा कन्वेंशन है। तो हम लोग हर जगह इसी को फॉलो करेंगे, जब भी थीटा की बात करेंगे तो हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग यहां पर पक करेंगे। अब अगर लेट से मुझसे कहा जाए कि मुझे भाई थीटा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तो थीटा को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। हम कहते हैं कोई भी दो पॉइंट फाइंड आउट कर लो। लेट से मैंने कहा मेरे पास
एक पॉइंट मेरे पास ये दिया हुआ है, दिस इज एक्स वन कॉमा जीरो, एक पॉइंट ये है यहां पर, दिस इज एक्स टू कॉमा जीरो, ये आपका जीरो कॉमा वाई वन, और ये पॉइंट आपको दिया जीरो कॉमा वाई टू। तो हमने बेसिकली यहां पर दो पॉइंट लिए, एक हमारे पास ए पॉइंट है विच इज एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू है। बड़ा पूरी मैथमेटिकल क्लास है, मैं तो आज की क्लास में कुछ फिजिक्स जैसा नहीं है, हम थोड़ा तो मैथमेटिक्स का ही पार्ट कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास, अब बताओ मुझे अगर यहां पर ये थीटा फाइंड आउट करना है तो बताओ ये डिस्टेंस इसके बीच में कितनी हो गई, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं ये आपके पास क्या हो गया वाई टू माइनस वाई वन। तो अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इस ट्रायंगल में बताओ मुझे बेस और परपेंडिकुलर लेंथ पता चल गई। अब अगर मुझे यहां पे स्लोप को फाइंड आउट करना है विच इज टैन थीटा, बताओ टैन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो यहां पर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हो, जरूरी नहीं कि हमें कोई इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी अगर दो पॉइंट्स हैं तो बताओ बड़ी आसानी से हम लोग स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट करें, दिस इज डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और हम कह देते हैं अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उसका स्लोप हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये स्लोप आपके पास कॉन्स्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कभी भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट आप फाइंड आउट कर लीजिए, कोई भी दो पॉइंट जब फाइंड आउट कर लोगे तो बड़ी आसानी से बताओ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैं डेल्टा आपको बता चुका हूं, डेल्टा का मीनिंग देखो क्या होता है, डेल्टा हम लोग कोई भी फाइनाइट चेंज को बोलते हैं डेल्टा, अगर कोई फाइनाइट चेंज है तो उसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं। भाई ये क्या है, दिस इज डेल्टा का मतलब क्या हो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो कई लोगों को, एक से नहीं तब ध्यान दीजिए, कई लोगों को थीटा में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस थीटा का मतलब समझ लो, जब मैं इसका कन्वेंशन, अब जैसे मैंने ये थीटा लिया, एक दूसरा स्टूडेंट आया उसने कहा सर ऐसे क्यों, हम तो इस थीटा को भी ले सकते हैं ना, वो इस थीटा को मतलब इसको वो कहेगा कि नहीं हम इसको थीटा लेंगे। अब मैं एंगल बोल रहा हूँ थीटा, लेकिन एक मैं ले रहा हूं किससे, ये वाला थीटा, और एक दूसरा स्टूडेंट ये थीटा ले रहा है, मतलब ये दो डिफरेंट बातें हो गई ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं एक जैसा सब रहे, तो उसके लिए हम लोगों ने कन्वेंशन बना लेते हैं सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये थीटा लेना या ये थीटा लेना। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कन्वेंशन डिफाइन कर लिया कि जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, और किससे हम लोग लेंगे, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये किससे लिया गया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस से लिया गया, और इसका सेंस देखो अगर आप देखोगे ये क्लॉकवाइज सेंस है, जबकि मैंने क्या बताया आपको कौन सा सेंस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने ये कन्वेंशन की बात की। क्लियर है बात सभी को, बट आपको नोट करना है पूरा। हाँ बेटा, मैं अभी यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे डिफरेंशिएशन यहां पर रिलेट हुआ, पहले इसे नोट तो करिए आप।
अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। देखो स्लोप तो हमें समझ में आ गया भाई, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो स्लोप है, लेकिन जब उनसे फिजिक्स में बात कर रहे हैं स्लोप की, तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की बात करें, ये हमें बता रहा है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमें ये बताता है जो स्लोप होता है वो हमें, बेटा नोट करना बंद करिएगा सभी लोग, ये स्लोप हमें ये बताता है कि अगर हम एक्स में चेंज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज हो रहा है। देखो इस बात को समझते हैं। जैसे लेट से मैंने कहा एक फिक्स कर लिया मैंने यहां पर, इतना मेरे पास ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा इसको मैंने फिक्स कर दिया ठीक। अब बताओ एक मैंने लाइन ड्रॉ की इसी के जस्ट ऊपर, ओवरलैप करा दी लाइन मैंने, एक लाइन इस तक जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप करा दी। अगर लाइन ओवरलैप करा दी इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेल्टा एक्स में चेंज कर रहे हैं, डेल्टा वाई में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि बताओ वो लगातार आपके पास क्या सेम वैल्यू रख रहा। अब दूसरी लाइन एक मैंने ड्रॉ की, बताओ डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग इस लाइन की बात करें, बताओ हमने जब एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग बताओ वाई में इतना चेंज हुआ आपके पास। एक से और लाइन मैंने ले ली, मैंने एक लाइन ये ली, बताओ सेम डेल्टा एक्स में बताओ इसका वाई में कितना चेंज हुआ, बताओ ये चेंज हुआ। एक और लाइन मैंने यहां पर ली ये इस तरीके से, तो ये मैं क्या बता रहा है सेम डेल्टा एक्स में बताओ ये आपके पास लाइन ये है, बताओ इसके लिए वाई। मतलब तो अगर मैं ये इसको वन देता हूं, इसको टू बोलता हूं, इसको थ्री बोलता हूं, इसको फोर बोलता हूं, तो वन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है एक्स के करस्पॉन्डिंग। मैं अगर बात करूं टू में, बात करूं टू में एक चेंज हो रहा है आपके पास, थ्री में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है, और अगर मैं फोर की बात करूं तो फोर में सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो रेट जो है ना, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, बताओ क्या फोर का रेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद रेट थ्री का है, और उसके बाद रेट बताओ आपके पास क्या है टू का रेट है। यहां पे रेट का मतलब क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स, ये हमें बता रहा है। अगर हम x में चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज होता है। स्लोप हमें इस बात को डिफाइन करता है, वो हमें रेट को डिफाइन करता है। पहले तो स्लोप का मीनिंग समझ में आया, हम मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स में स्लोप का मतलब क्या है वो रेट है आपके पास। कंप्लीट करिए, जहां पर बेटा कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है तुरंत क्वेश्चन करिएगा। आप तो ओके, अब देखो एक क्वेश्चन फिर से मेरे पास आया कि सर ये वाई और एक्स क्या है। मतलब यहां पर हम लोग मैथ्स में x और y, x एक्सिस y एक्सिस की बात करते हैं, यहां पर ये x और y, देखो बेटा x और y एक तरीके से दो वेरिएबल है, समझना क्या मतलब क्या हुआ इसका। सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस केस की बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, बेटा सभी लोग मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने कहा यहां पर एक पार्टिकल है वो टी इज इक्वल टू जीरो पर है। मैंने क्या किया यहां पे, इनफैक्ट एक पार्टिकल वन है, एक पार्टिकल टू है, और एक पार्टिकल थ्री है, हमारे पास थ्री पार्टिकल्स है।
और हमने क्या किया, इन तीनों पार्टिकल को एक सेम टाइम जो है ना एक इंटरवल दे दिया, मैंने एक डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल है, या डेल्टा हटा दो सिर्फ टी लिख देते हैं, टी एक टाइम इंटरवल है, कौन सा टाइम इंटरवल, टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी, बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, नोट करना बंद करिए, ये आपके पास एक टाइम इंटरवल है। तो अब इस टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो मैंने कहा इस टाइम में जो ए वन वाला था ना वो यहां से कितना मूव कर पाया, वो एक्स वन मूव कर पाया, कितने टाइम में, टी इज इक्वल टू टी। मैं टू की बात करूं, टू वाला पार्टिकल जो है ना इतने टाइम में ये कितना मूव कर गया, ये एक्स टू मूव कर गया, कितने टाइम में, टी इज इक्वल टू टी में। और ये थर्ड वाला जो पार्टिकल था अगर मैं इसकी बात करूं, इस पार्टिकल की ये टी इज इक्वल टू टी टाइम में कितना मूव कर गया, ये एक्स थ्री मूव कर गया। हमने अगर मैं इस केस की बात करूं, इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, तो बताओ यहां पर सभी के पास जो है ना आपके पास टाइम बताओ कितना है, वो आपके टी टाइम है सभी लोगों का, लेकिन जो पार्टिकल वन था बताओ उसने कितनी टी टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल की, एक्स वन। जो यहां पर पार्टिकल टू है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, एक्स टू। और ये जो पार्टिकल आपके बताओ इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, बताओ एक्स थ्री। अब अगर मैं यहां पर बात करूं एक टाइम की बात करूं, ध्यान से देखना, एक टाइम और एक आपके पास क्या है, एक्स। देखो ये बता रहा है, समझना बहुत ध्यान से, हम एक्स को चेंज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वाई में चेंज हो रहा है, यहां पर हमें बता रहा है हम टाइम क्यों चेंज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक्स में चेंज हो रहा है। तो एक तरीके एक्स किसका फंक्शन है, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास एक्स की बात करें ये टाइम हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, ये एक्सीलरेशन हो सकता है, वो कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो जैसे इस केस की बात करें हम टाइम, और ये अगर एक्स की बात करें तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब अगर मैं इस केस की बात करूं तो टी टाइम तो फिक्स हो गया, इतना टाइम टी है। अब बताओ अगर वन की बात करें तो वन बताओ इतने टाइम में कितना मूव कर पाया, बताओ वन का जो मूवमेंट है बताओ क्या वो एक्स वन है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टू की बात करूं बताओ टू का जो मूवमेंट हुआ, बताओ टू यहां से ऊपर गया इतने टाइम में, और सेम टाइम टी में बताओ वो कितना मूव कर गया, बताओ वो एक्स टू मूव कर गया। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड केस की बात करूं, मैं थ्री की बात करूं, बताओ थ्री इस टाइम में ये यहां तक गया, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर एक्स थ्री हुआ। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, इस टाइम टी में ये एक्स वन गया, इस टाइम टी में ये एक्स टू गया, इस टाइम टी में ये एक्स थ्री गया। अब बताओ अगर मैं इनको देखूं यहां पर, तो बताओ टाइम के रिस्पेक्ट में किसका रेट ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ इसने कुछ एंगल थीटा वन लिया, इसने एंगल थीटा टू लिया, इसने एंगल थीटा थ्री लिया। तो बताओ टैन थीटा वन हमें क्या बता रहा है, वो यही तो बता रहा है कि उसने एक्स वन डिस्प्लेसमेंट किया टाइम टी में, बताओ एक तरीके से ये वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरे की बात करें टैन थीटा टू, तो बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं ये क्या हो गया, एक्स टू अपॉन टी, बताओ ये भी तो एक तरीके से वेलोसिटी हुई। और अगर मैं टैन थीटा थ्री की बात करूं तो बताओ उसने सेम टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स थ्री किया, बताओ वो ये हुआ आपके। तो इसका मतलब यहां पर ये जो बात हो रही है, यहां पर स्लोप की बात हो रही है, स्लोप बताओ क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट displacement किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास बात हो रही है। तो जरूरी ये नहीं कि हर जगह हम लोग एक्स और वाई की ही बात करेंगे, हम किसी की भी बात कर सकते हैं। तो इस केस को देख के हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी वन की सबसे कम है, वेलोसिटी टू की उससे ज्यादा है, वेलोसिटी थ्री की सबसे ज्यादा आपके पास वेलोसिटी। तो इस केस में जो स्लोप है, जो मैथमेटिक्स वाला स्लोप है, वो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी आपके स्लोप दिया हो, जैसे यहां पर dy by सॉरी यहां पर tan थीटा दिया था, तो ये मैं बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली ये हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विद रिस्पेक्ट टू टी, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। पहले तो सभी लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत हैं, कोई डाउट इसमें किसी को भी? डायग्राम बनाना है बेटा आपको, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी आपके। कंप्लीट कर लिया सभी ने? ओके, अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए सब लोग, अब जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की बात की, तो कहानी बहुत आसान थी। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, मेरे पास वाई वर्सेस एक्स का ही ग्राफ है और मेरे पास ये कर्व कुछ इस तरह ऐसे कर दिया। बेटा आप सब लोग नोट करना बंद करिए, अब ये सिचुएशन है मेरे पास। अब मुझे यहां पर स्लोप फाइंड आउट करना, सब लोग मेरे तो बेटा ध्यान दीजिए, स्लोप यहां पे फाइंड आउट। अब हम लोगों ने यार स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा था भाई, स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहां पर कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो एक कर्व आपके पास दिया हुआ। अब इसमें स्लोप कैसे फाइंड आउट करें, अब देखो इसको समझते हैं हम लोग करते क्या है। यहां पर हमने जैसे एक ए पॉइंट डिफाइन किया, मेरे पास ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं एक्स कॉमा वाई, इसका अंदर ये कोऑर्डिनेट हो गया x कॉमा जीरो, और अगर मैं इधर बात करूं ये कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कॉमा। अब इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते, इसके नेबरहुड में एक और पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते, नेबरहुड बहुत क्लोज, मतलब ये हमने पॉइंट बी, हमने जरूर इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा दिखाया, मतलब बिल्कुल इसके क्लोज की बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखाया जस्ट सो दैट आप लोगों को क्लियर हो, वो विजिबल हो पॉइंट क्लियरली। तो ये जो बी पॉइंट है ये इसके बहुत क्लोज है, ए के बहुत क्लोज पॉइंट है ये आपके, मतलब अगर इसको हम सही से देखें तो अगर ये ए है तो इसके बिल्कुल क्लोज में ये बी पॉइंट है, ये इस तरीके से। तो अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं ए प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब ये वाला आपके पास क्या हो गया, This is x plus delta x, comma zero. अभी नोट मत करेगा आप लोग। और मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट जो आपको गिवन है, this is zero comma y plus delta y. ये पॉइंट आपको है। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, मैं यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि डेल्टा x जो मेरे पास है ये वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। जब ये बहुत स्मॉल होता है इसको हम बेटा ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो का मतलब हो गया बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, हम इसको लिख देते हैं dx। तो ध्यान रखना दो टर्म आपको मिलेंगे, एक मिलेगा डेल्टा एक्स या कोई भी टर्म डेल्टा वाई, और एक जो मिलेगा dy। तो जब मैं डेल्टा लिखता हूं कहीं पर भी, अगर मैंने सिर्फ डेल्टा एक्स लिखा है इसका मतलब ये फाइनाइट है आपके पास,
ये फाइनाइट लेंथ है आपके पास डेल्टा, और जब कहीं पे भी डीएक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, इसको हम लोग मास के टर्म में बोलते हैं, दिस इज टर्म है इनफाइनाइटी। सिमिली स्मॉल एलिमेंट, अब देखो इसका मतलब क्या होता है इनफाइनाइटी सिमिली स्मॉल एलिमेंट। जैसे लेट से मेरे पास ये पेन है, मैं इसके इनफाइनाइट टुकड़े करूं, हम क्या कर रहे हैं इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर रहा हूं, तो जो मेरे पास एक टुकड़ा बचेगा ना, अगर इनफाइनाइट का टर्म करते हैं यहां पर, तो उस एलिमेंट की जो लेंथ होगी ना, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं डीएक्स बोलते हैं। तो कहीं पर भी डीएक्स लिखा है इसका मतलब बहुत स्मॉल लेंथ आपके पास है। सिमिलरली अगर जैसे डेल्टा वाई है, तो बताओ डेल्टा वाई में अगर हम लोग लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो लिख दें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी वाई। इसका भी मतलब क्या हुआ, ये आपके पास वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है, बहुत स्मॉल लेंथ। अब अगर मेरे पास, मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर ये दोनों जो है ना बहुत स्मॉल है, ये दोनों की अगर मैं बात करूं, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये बहुत स्मॉल दिए हुए हैं आपके पास। अगर ये बहुत स्मॉल है तो बताओ मैं कह सकता हूं ना ए और बी बिल्कुल नियरली बहुत क्लोज होंगे आपके पास। जब ये नियरली बहुत क्लोज है तो ऑलमोस्ट मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं, हाँ या ना? जब दो पॉइंट्स किसी के पे बहुत क्लोज हैं तो वो ऑलमोस्ट बताओ किसकी तरह लग रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड इधर बना रहा हूं, अगर ये हमारे पास ए बी पॉइंट है तो देखो जरा ध्यान से, आपके पास ये आपके पास क्या हुआ डेल्टा एक्स जो बहुत स्मॉल है, ये बताओ आपके पास क्या हुआ डेल्टा वाई। पर अगर ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है तो बताओ यहां पर अगर हम थीटा डिफाइन करें तो बताओ यही तो थीटा हो जाएगा आपके पास। पहले तो मेरी बात से सहमत हो सभी लोग? तो लेकिन बस यहाँ पे अब ये मत कहना सर पहले भी तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई था, पहले जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई था वहां पे मैंने ये कहीं नहीं लिखा था कि ये वेरी स्मॉल है, हमने वहां पे लिखा था फाइनाइट चेंज है। बट यहां पर पर्टिकुलरली मैं हर जगह लिख रहा हूं कि डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है और डेल्टा वाई बहुत स्मॉल है, तो ए और बी बहुत क्लोज पॉइंट है, और ए और बी बहुत क्लोज पॉइंट है तो हम उसको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो बताओ इसके स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं। बेटा नोट करिए पहले सभी लोग, बेटा हर एक पॉइंट को बहुत प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा। बेटा जब मैं डेल्टा लिखता हूं तो डेल्टा का मतलब होता है फाइनाइट लेंथ, एक फाइनाइट लेंथ है आपके पास, और जब मैं लिख देता हूं डीएक्स लिख देता हूं तो इसका मीनिंग है कि ये बहुत स्मॉल लेंथ है आपके पास। ये दोनों में, ये आपके पास जब भी मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, दैट मीन्स अगर लेंथ के टर्म में बात करें तो ये फाइनाइट लेंथ है, और इसकी बात करें तो ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है आपके पास। कहीं पे भी स्मॉल चाहिए होगा आपको तो वहां पर हम लोग डीएक्स लिखते हैं, और कहीं पे फाइनाइट चाहिए होता है तो वहां पर आपके पास हम लोग डेल्टा है। बेटा लिमिट लिखने का मतलब होता है कि ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो का मतलब, जैसे डीएक्स की वैल्यू समझ लो, डीएक्स की वैल्यू की बात करें लाइक 0.00000000 ये 1 मीटर है। अब तुम सर इसको जीरो ही लिख देते हैं तो मतलब dx का क्या है, वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है बट वो जीरो नहीं है, तो वही लिमिट का मीनिंग होता है। लिमिट कहता है वैल्यू बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, मतलब बहुत स्मॉल है। तो ये एक तरीके से हमारे पास वो वैल्यू है जो बहुत स्मॉल है बट वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। बात क्लियर है ना? अब देखिए जैसे ये वाला डायग्राम था, अब बताओ यहाँ पे टैन थीटा अगर मैं लिखूं इस ट्रायंगल में, बताओ टैन थीटा वाई टू माइनस वाई वन के हिसाब से ये यही तो आया वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, बताओ ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बताओ टैन थीटा आपके पास क्या हुआ
डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला जो केस था वहां पर भी तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था और यहां पर भी डेल्टा, नहीं दोनों में डिफरेंस है। मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन के केस में कोई भी दो पॉइंट्स अगर हैं आपके, कोई भी दो पॉइंट, हम उनको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ले सकते हैं। लेकिन जब मैं इस केस की बात कर रहा हूं तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है तो दूसरा पॉइंट बी बताओ उससे बहुत क्लोज है, मतलब यहां पर ये डेल्टा वाई ये भी बहुत वेरी वेरी स्मॉल है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर डेल्टा एक्स की बात करें तो इसको भी हम वेरी वेरी स्मॉल बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब अगर मैं यहां पे स्लोप, बेटा भी नोट मत करो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दिया करो। अगर आप नहीं नोट कर पाते हो हैंड रेस कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा, लेकिन जब एक्सप्लेन कर रहा हूं सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दो। और अगर इनकेस आपका कुछ स्किप होता है ना तो आप स्क्रीन शॉट तो ले ही सकते हो ना, तुरंत स्क्रीन शॉट ले लिया करो इनकेस अगर नहीं नोट कर पाए, नहीं तब ध्यान दीजिए सभी लोग। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप को डिफाइन करूं तो यहाँ पे स्लोप किसके बराबर हुआ, टैन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन अब हम ऐसे थोड़ी हर जगह बोलेंगे डेल्टा वाई बहुत स्मॉल है, डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है। हम इसको क्या करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं लिमिट, ध्यान रखना डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, सिर्फ इतना लिखते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है अरे सर ऐसा क्यों, आपने सिर्फ बोला कि डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई भी तो टेंडिंग टू जीरो बोलिए, अरे क्या जरूरत है। अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास ये लेंथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो वाई में तो कुछ बड़ा चेंज हो ही नहीं पाएगा, जब भाई जब इनके बीच का गैप ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है तो वाई तो अपने आप ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा आपके। तो यहाँ पे दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या लिख देते हैं लैम्डा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते, मैथ्स वाले लोग बवाल करने लगेंगे भैया डिनोमिनेटर में जीरो कहां से ले आए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो, इसका यही मतलब है कि वो वैल्यू बहुत स्मॉल है बट वो वैल्यू जीरो नहीं है आपके पास। तो इस टैन थीटा को हम लोग, अब बताओ टेंडिंग टू जीरो है इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि मेरे पास डेल्टा वाई बहुत स्मॉल है, तो बताओ ये क्या हो गया, दिस इज डी वाई, और डेल्टा एक्स भी बहुत स्मॉल है, ये हो गया डी एक्स। तो मेरे पास स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला आ गया, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। पहले नोट करिए बेटा सभी लोग, स्ट्रेट लाइन वाले केस में फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब कोई भी दो पॉइंट हो आप स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अगर एक पॉइंट तुमने सेलेक्ट किया तो दूसरा पॉइंट उसके बहुत क्लोज आपको लेना है, मतलब वहां पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है, उसी को हम लोग लिख देते डी वाई बाई डी एक्स आपके पास। नोट करिए बेटा, अरे बेटा x के आगे हम लोग कितना गए, डेल्टा x आगे गए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। यहाँ पर y के आगे हम कितना जा रहे हैं, डेल्टा y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे y प्लस डेल्टा। तो जो बेटा ये होता है ना यही डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, हम वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स है, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, हम वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन क्या देता है हमें, डिफ्रेंशिएशन हमें स्लोप प्रोवाइड करता है। ये डेल्टा एक्स में लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहां पर लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। ओके अब देखो, अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं यार। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो, इस पर्टिकुलर केस में आपके पास अगर मैं बात करूं, जैसे ये कर्व दिया था x कॉमा वाई और मेरे पास ये इस तरीके से ऐसे दिया था। अब मुझसे कहा गया कि आपको ये पॉइंट आपके पास ए दिया हुआ है और ये x है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको a पे स्लोप फाइंड आउट करना है। मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, हमें फाइंड आउट करना, फाइंड आउट स्लोप एट x इज इक्वल टू x1 कर देता हूं। अब क्या मैंने बेसिक डेफिनेशन, हमें किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसके नेबरहुड में जाओ, बहुत क्लोज एक पॉइंट ले लो, बहुत क्लोज। बताओ जब ये पॉइंट उसके बहुत क्लोज है तो ऑलमोस्ट अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा तो बताओ एक तरीके से वो इस कर्व पे टेंजेंट ही तो होगा। अगर मैं कह रहा हूं ए और बी बहुत क्लोज हैं तो बताओ अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं तो बताओ वो एक तरीके से इस कर्व पे टेंजेंट होगा। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत। तो किसी भी कोई भी अगर कर्व है आपके पास और आपको फाइंड आउट करना है, वहां पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और अगर ये स्लोप थीटा वन है तो आप कह सकते हो कि मेरे पास यहां पर स्लोप क्या हुआ, ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, यहां पर स्लोप बताओ क्या हो गया, टैन थीटा वन हो गया। और इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड आपके पास है, आप वाई को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके जो भी वैल्यू आए उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स वन, ये भी आपको स्लोप देगा, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम उसको डिफरेंशिएट करके भी स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मीनिंग हुआ। लेट से मेरे पास एक और पॉइंट है, मेरे पास कहा गया इस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। मैंने कहा यह पॉइंट क्या दिया हुआ, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो अगर मेरे पास ये पॉइंट कोई सी पॉइंट है तो हम इसके नेबरहुड में एक और पॉइंट लेंगे। अब बताओ इतना क्लोज है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बताओ ये ऐसे ही तो आएगा। बताओ अगर मैं एंगल की बात करूं एंटी क्लॉकवाइज में, बताओ ये एंगल थीटा टू हुआ, तो अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। पहला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो, दिस इज टैन थीटा टू, और एक दूसरा मेथड क्या है, यहां पर आप डी वाई बाई डी एक्स की बात करो और उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देना, x is equal to x2, बताओ क्या आपके पास स्लोप आ जाएगा। अब ये dy by dx हम कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो अभी बात की बात।
पहले उसका मीनिंग समझ लो कि कभी भी कोई तुमसे स्लोप की बात करता है तो आखिर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। नोट करिए, थोड़ा अलर्ट होके मेरी बात को समझिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस पार्ट में आपको, जो यार बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो गई इसमें, नहीं तब ध्यान दीजिए सभी लोग। देखो जब मेरे पास, सभी लोग मेरी तब ध्यान दीजिए, जब मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन थी, बेटा फिर से मेरी तब ध्यान दो, जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता था और हमसे कोई भी स्लोप की बात करता था, मैं कहता था कोई भी पॉइंट कहीं पर भी, कोई दो पॉइंट आप ले लीजिए और इन दोनों पॉइंट के हेल्प से ये डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लो, ये डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लो, और तुम्हारे पास स्लोप जो है ना क्या हो जाता था, वो टैन थीटा हो जाता था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये बहुत आसान था, 9-10th में आपने यही किया है, बहुत आसान। लेकिन जब मेरे पास एक कर्व आया और मुझसे पूछा गया अब इसका स्लोप फाइंड आउट करो, तो मैंने कहा स्लोप फाइंड आउट करना, तो मैंने क्या कहा, लेट मुझे ए पे स्लोप फाइंड आउट करना था, ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, इस ए के बहुत क्लोज में एक पॉइंट ले लिया। अगर मैं कहूं ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, आपके पास ए के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो हम लोग बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहां पर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, और दूसरा वाई प्लस डेल्टा वाई, जहां पे अब बताओ अगर ये आपके पास स्मॉल है, इसका मतलब बहुत स्मॉल करोगे तो ए और बी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आ जाएंगे। अब अगर तुम इन ए और बी बहुत क्लोज आ गए, तुम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, तो ऑलमोस्ट मुझको ऐसा ही तो लगेगा जैसे ये जो कर्व है, इस कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और अगर इस टेंजेंट की बात करें, तो टेंजेंट के लिए एंगल थीटा वन है, तो स्लोप हमारे पास इस कर्व का स्लोप क्या हो गया, वो टैन थीटा, टैन थीटा का मतलब हो गया दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो एक तरीका मेरे पास क्या है, आप सिंपली जो है ना उस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इस एंगल को मेजर कर लो, तो टैन थीटा वन उसका स्लोप हो जाता है। और इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड कौन सा हुआ, ये वाला स्लोप वाला मेथड, जिसमें हम लोग कहते हैं ये होगा वाई वन प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और इसको हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पे ऐसे ही तो लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और जिसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो दूसरा मेथड मेरे पास क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, एक्स वन। सिमिलरली अगर तुम्हें यहाँ पे सी पॉइंट दिया गया था, तुम्हें फाइंड आउट करना था स्लोप सी पॉइंट पे क्या होगा, तो एक मेथड क्या है, हमने सी के नेबरहुड में एक बहुत क्लोज पॉइंट ले लिया। अब बताओ इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो फिर से वो टेंजेंट हो जाएगा, तो बताओ उस टेंजेंट का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड आपके पास क्या है, आप यहां पर फिर से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो, लेकिन इस बार एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू एक्स टू। तो तुम इस तरीके से भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो और तुम इस तरीके से भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे पास दो मेथड है, एक में क्या करो टेंजेंट ड्रॉ करो उसका स्लोप फाइंड आउट करो, और दूसरे मेथड में क्या करो डिफरेंशिएशन करो, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स वन, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स टू। पहले तो अब मेरी बात सभी को क्लियर है, वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड अ जनरल कर्व, पक्का नोट करिए बेटा सभी लोग। नहीं, कोई भी कर्व लाइन कर्व बना दिया हमने, इसकी इक्वेशन हमें क्या पता, हमने कोई भी कर्व ले लिया। हाँ नंदिनी बताओ बेटा क्या नहीं समझ में आया, क्या इशू, माइक ऑन है तुम्हारा,
ये जो सेकंड मेथड है डी वाई बाय डी एक्स और एक्स को हाँ एक्स वन में प्लेस करना है, ये नहीं समझ में आया। बेटा, अभी मैंने क्या बताया, अगर हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर ए और बी, तो इसके हम इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए वाई वन प्लस डेल्टा वाई। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई वन प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एक्स वन। बताओ ये वाई वन एक्स वन कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया, लेकिन इसमें हमने क्या इसके बहुत क्लोज लिया है, तो लिमिट हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो आई। और बताओ जब ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है, इसी को तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब बस इसमें एक्स की जगह एक्स वन पुट कर देंगे। अब ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये बात की कहानी, अभी बाद में पढ़ेंगे इसे। बट हमें एक मेथड ये समझ में आ गया कि अगर स्लोप निकालना है तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो और उसमें एक्स की जगह एक्स वन पुट कर दोगे तो ए पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा, एक्स की जगह एक्स टू पुट कर दोगे तो बी पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। मेरी बात से सहमत, और किसी का डाउट नहीं है ना? क्लियर। अभी थोड़ा बेटा टाइम तो दो, मुझे एक्सप्लेन तो कर दो सारी चीजें। अब समझते थोड़ा सा और इस बात को बेटा, ये मैं पूरा हटा रहा हूं, नोट कर लिया सभी ने? नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखो थोड़ा सा इस बात को और समझते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फिजिक्स में, हम क्यों यार मैथ्स में कूद पड़े, मतलब रीजन क्या है उसको अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखो जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक तरीके से रेट मेजरर है। स्लोप क्या फाइंड आउट करता था, रेट फाइंड आउट करता था। तो जो dy by dx कहीं पर भी लिखते हैं ना, वो आपके पास क्या होता है, रेट मेजरर है। मतलब ये हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, विद रिस्पेक्ट टू x। ये y का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात करें dx by dt, बताओ dx by dt का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपके डेफिनेशन है वेलोसिटी। तो बताओ यहां पर डीएक्स बाई डी टी क्या दे रहा है, बताओ ये वी दे रहा है, वी इज द वेलोसिटी। तो हमेशा ये क्या है, रेट मेजरर है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं डीवी बाई डी टी, क्या मतलब हुआ डीवी बाई डी टी का, आपके पास ये क्या हुआ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये कौन बताता है आपके पास, एक्सिलरेशन। तो ये रेट हमें क्या दे रहा है, ये ए दे रहा है, ए इज द एक्सिलरेशन। ये यहां पर मतलब है। तो यहां पर जरूरी नहीं कि हर जगह हम dy by dx की बात करेंगे, भाई यहां पर x और y कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें वेलोसिटी दे रहा है। और जब मैं वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहा हूं तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एक्सिलरेशन दे रहा है। बात सभी को समझ में आई? अब देखो इस बात को जरा थोड़ा समझ, अब बेटा नोट मत करो, पहले मुझे कंप्लीट कर लो। मैं इसको समझू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात, एक्स यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर मैंने कहा एक कर्व मेरे पास ये इस तरीके से, एक कर्व मेरे पास ये इस तरीके से, और एक थर्ड कर्व मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये ऐसे दिया हो मेरे पास ये फर्स्ट, बेटा अभी नोट मत करना, ये टू और ये हमारे पास थ्री, मतलब ये ग्राफ दिए हुए,
ये हमें ये बता रहा है, ग्राफ क्या बता रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, तीन अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। बात सभी को क्लियर? अब लेट, मैंने कहा ये टाइम टी वन है मेरे पास, हमें टी वन को डिस्कस करना है। हमें टी वन पे अगर डिस्कस करना है तो हमने देखो सबसे पहले क्या किया, हमें ये बताना है कि इसका रेट क्या है। तो हमने कहा टी वन की बात की गई, बताओ ये कर्व है, हमने इस पर टैंजेंट ड्रॉ किया, बताओ टैंजेंट ड्रॉ किया, बताओ इसने हमें क्या एंगल दिया, थीटा। मतलब ये हमें क्या बता रहा है, जो आपके पास पहला फर्स्ट कर्व है, मतलब पहले इसकी बात करें, मतलब डीएक्स, या मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ वन, बताओ वन का रेट हमें क्या दे रहा है, बताओ ये डीएक्स बाई डी टी, ये किसका है डीएक्स बाई डी टी, बताओ वन का है, बताओ ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें यही तो बता रहा है वेलोसिटी क्या होगी, किस टाइम पर वेलोसिटी, बताओ वो टी इज इक्वल टू टी वन की वेलोसिटी दे। ठीक, तो हमारे पास एक तरीके से हम रेट, मतलब एक तरीके से स्लोप ही तो निकालना है। तो इसको निकालने के मेरे पास मेथड क्या है, एक तो हम कुछ नहीं करें, हम सिंपली सीधे सीधे क्या करें, ये थीटा वन आ गया तो टैन थीटा वन निकाल लें। हम इस तरीके से भी क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ पे डीएक्स बाई डी टी कैसे निकालते हैं अभी नहीं पता मुझे, लेकिन अगर डीएक्स बाई डी टी कैलकुलेट कर लें और वहां पे टाइम बताओ क्या पुट कर दें, टी वन पुट कर दें, तब भी तो बताओ मेरे पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप मतलब वेलोसिटी आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, दूसरे कर्व की बात की, सेकेंड कर्व मेरे पास ये, अगर मैं सेकेंड कर्व की बात करूं, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसने ये हमें एंगल थीटा टू दिया। अब बताओ यहां पर अगर मैं स्लोप की बात करूं टू के लिए, तो बताओ वो आपके पास क्या हुआ, टैन थीटा टू हुआ। टैन थीटा टू का मतलब क्या हुआ, आप डीएक्स बाई डी टी निकाल लो और बताओ उसकी जगह टी इज इक्वल टू टी वन पुट कर देना, तो बताओ वो दूसरा वाला जो पार्टिकल है, बताओ उसकी वेलोसिटी हमें मिल जाएगी टी इज इक्वल टू टी वन। अब कोई तुमसे पूछा नहीं थर्ड वाला जो है पार्टिकल, तो थर्ड पार्टिकल की बात करूं तो बताओ इस पे टेंजेंट ये आया, बताओ इस पे टेंजेंट ये आया तो ये थीटा थ्री आया, बताओ ये स्लोप थर्ड वाले का स्लोप बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज टैन थीटा थ्री। बताओ ये हमें क्या दे रहा है, डीएक्स बाई डी टी की वैल्यू दे रहा है, किस टाइम पर, टी इज इक्वल टू टी वन, बताओ ये थर्ड वाले की वेलोसिटी दे देगा। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, अगर मैं इस केस की बात करूं, मेरे पास सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, एंगल सबसे ज्यादा थीटा थ्री है, एंगल सबसे ज्यादा थीटा टू है इसके बाद, और सबसे कम थीटा वन। इसका मतलब मेरे पास टैन थीटा थ्री सबसे ज्यादा दिया हुआ है, टैन थीटा वन थीटा टू उसके बाद और सबसे कम टैन थीटा वन है। इसका मतलब ये हमें यही तो बता रहा है, यहां पर जो रेट है वो थर्ड वाले पार्टिकल का रेट सबसे ज्यादा है, सेकेंड वाले का उसके बाद है, और फर्स्ट वाले का सबसे कम है रेट, और जो रेट होता है वही तो उसकी वेलोसिटी होती है। इसका मतलब थर्ड वाले की वेलोसिटी अगर मैं बात करूं, बताओ थर्ड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड की वेलोसिटी उसके बाद होगी, और सबसे कम बताओ वन की वेलोसिटी होगी। बताओ ये यही तो रिलेशन है। तो स्लोप को इनडायरेक्टली समझो, जब भी स्लोप की बात की जाए, डीएक्स बाई डी टी, डीवाई बाई डी dx कुछ भी टर्म लिखाओ, तो उसका मतलब क्या होता है, हम वहां पे रेट मेजरर की बात करते हैं, हम ये देखते हैं x के रिस्पेक्ट में y कैसे जा रहा है, या टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, या टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना हो रहा है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो और देख लो, जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका रेट सबसे कम होगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। पहले आपको यह समझ में आया कि एक तरीके से dy by dx हमें क्या दे रहा है, रेट को फाइंड आउट। मेरी बात से सभी लोग सहमत हो ना, पक्का नोट करो। अरे बेटा एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, अरे सर ये डिफरेंशिएशन और ये सब हम कर क्यों रहे, हम टेंजेंट ऐसे d लगा के मेजर कर लेंगे ना एंगल। अरे भैया ये कर्व हमें कहां पता है, ये तो मैं अपने हिसाब से बना लेता हूं। अब किसी ने हमसे कहा, एक फंक्शन दिया लेट से, अभी आप लोगों के लेवल पे हमसे कहा गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, अरे हमें इसका ग्राफ ही नहीं आता है,
और जब ग्राफ नहीं आएगा तो डिजाइन कैसे बनाएंगे, और जब डिजाइन नहीं बना पाएंगे तो डी से हम एंगल कहां से मेजर करेंगे? भाई किसका था क्वेश्चन? कार्तिक, मेरी बात से सहमत हो ना भाई? हमें हर केस के लिए हमें ये थोड़ा पता होता है कि मेरे पास कैसा कर्व होगा, ये तो मैं अभी ऐसे रफली कर्व बना लेता हूं। अब कोई किसी ने ये लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम उसका एग्जैक्ट कर्व कहां से बना पाएंगे? और जब तक एग्जैक्ट कर्व नहीं बनेगा तब तक हम ये एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये हम बना जरूर देते हैं tan थीटा वन tan थीटा, बट इतनी आसानी से एंगल निकाल तो यहाँ पाएंगे? अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कर्व जो है ना बनाना पड़ेगा, और फिर बिल्कुल आपको इसका टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा तब एंगल। अरे इसमें तो एक क्वेश्चन दो दिन में हम सॉल्व कर पाएंगे, और डिफरेंशिएशन उसको एक लाइन में सॉल्व कर देगा, ठीक है ना? ओके बेटा नोट करिए प्रॉपर। dx सेम नहीं रहेगा, हम लोग dx by dt एक उसकी वैल्यू आ रही हो तो उसमें हम वैल्यू बस पुट करेंगे, टाइम की जगह t1, टाइम की जगह t2, टाइम की जगह t3। सभी तीनों को हम लोग कंपेयर किस टाइम पे कर रहे हैं? T1 टाइम पे ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये भी मैंने T1 टाइम पे निकाला है, ये भी T1 पे और ये भी T1, टाइम तो सभी के लिए सेम है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, बात सभी को क्लियर? हाँ, बस एक बार तुमने dx by dt कैलकुलेट कर लिया, अब तुम्हें किसी भी टाइम का स्लोप चाहिए, t1 पुट करोगे तो स्लोप t1 का मिल जाएगा, इस वैल्यू में t2 पुट कर दोगे तो t2 का स्लोप मिल जाएगा, t3 पुट कर दोगे t3 का, मतलब ये हमें एक बार ये वैल्यू मिल गई dx by dt की, तो अलग अलग टाइम पुट करते रहो उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइम पे स्लोप निकल आता है। जबकि टेंजेंट मेथड में क्या करना पड़ता है, हर टाइम पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ये कहता है एक बार बस dx by dt की वैल्यू निकाल लो, उसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो पे स्लोप मिल जाएगा, t is equal to one पुट करोगे t is equal to one सेकंड में स्लोप मिल जाएगा, t is equal to two सेकंड पुट करोगे तो टू सेकंड पे आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा? एक एक पॉइंट निकाल के कितने पॉइंट निकाल के कर्व बना लोगे भाई? कोई स्ट्रेट लाइन तो है जो पॉइंट निकाल के कर्व बना लोगे? अब तुम्हारे पास ये पॉइंट है
ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये तो एक कर्व तुम अप्रोक्सीमेट ऐसे कर्व बनाओगे ना। अगर ये कर्व तुम्हारा इसके बीच में अप्रोक्सीमेट है तो टेंजेंट ड्रॉ करके इसका स्लोप कहां से फाइंड आउट कर लोगे? सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है कि जहां पर दो पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए सब लोग, अब जो dx by dt, हम dy by dx, y और x लिखते हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहां पे अगर मैं dy by dx की बात करूं, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। dy by dx है क्या? एक तरीके से स्लोप है, विच इज tan theta, ठीक। तो स्लोप आपको पता है, सभी लोगों को स्लोप पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है। अब बात हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब होता है स्लोप का पॉजिटिव होना, स्लोप का निगेटिव होना या स्लोप का जीरो होना। अब इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है हम उसको समझ लेते हैं। देखो जब भी हम बात करें, मेरे पास dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर कर्व ऐसे दिया हुआ है तो अगर यहां हम कोई भी पॉइंट है बताओ इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बताओ ये हमें क्या दे रहा है, बताओ ये थीटा है आपके पास, बताओ ये स्लोप, अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, बताओ ये थीटा एक्यूट एंगल है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है इसका मतलब यहां पर बताओ स्लोप टैन थीटा पॉजिटिव हो गया। टैन थीटा की बात करें, यही डीवाई बाई डी एक्स होता है, बताओ ये पॉजिटिव है। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका क्या मतलब है? देखो आप ध्यान दो, अगर मैं इस रीजन देता हूं, मैं अगर एक्स में वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, बताओ क्या वाई में भी तो वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है? तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है, डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, ये हमें बताता है अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली वाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब सेम वेरिएशन होता दोनों। और अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पर एक्स की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो बताओ वाई की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो स्लोप का पॉजिटिव होने का मतलब अगर तुम एक्स को इंक्रीज कराओगे तो बताओ यहां पर वाई की वैल्यू में भी बताओ क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और अगर एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बताओ वहां पर वाई की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मतलब इन दोनों में सेम नेचर होता है आपके पास, पॉजिटिव रेट का मतलब ये। और अगर यही आपके पास कब्जा मेरी तब ध्यान देना, मैं इसी कर्व की बात कर रहा हूं, ये कर्व ये, मैं अगर यहां पर बात करूं इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, बताओ अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, बताओ ये एंगल थीटा आया, बताओ ये थीटा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल हुआ? थीटा कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं यहां पर स्लोप की बात करूं तो स्लोप आपके टैन थीटा वही होता है डीवाई बाई डी एक्स, अगर थीटा यहां पे ऑब्ट्यूज है तो टैन थीटा निगेटिव होगा, ये वैल्यू निगेटिव हुई। और निगेटिव का मतलब क्या होता है? अपोजिट बिहेवियर। अगर एक्स को इंक्रीज करोगे, देखो यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैं एक्स इंक्रीज कर रहा हूं, बताओ वाई की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, या फिर मैं बोलू अगर एक्स की वैल्यू को तुम डिक्रीज करोगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो स्लोप हमें बताता है, अगर स्लोप पॉजिटिव कोई बोल रहा है तो हम बोलेंगे अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा होगा। अगर कोई बोलता है स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब हम कहते हैं अगर एक्स को हम इंक्रीज कराएंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। दोनों डायग्राम बनाने आप लोगों को, बेटा देखो ना तुम्हारे पास अगर मैं यहां पर बात करूं, बताओ जैसे जैसे हम x की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं, बताओ ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में y में ऊपर नहीं जा रहा है। बताओ जब यहां पर थे तब इसकी x की वैल्यू ये थी y की, अब बताओ जब मैं यहां पे आ गया तो इसकी y की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर गई।
लगातार बताओ ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। और यहां पर देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, जैसे मैं इस कर्व पे मूव कर रहा हूं तो लगातार वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज ही तो कर रही है। एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है। स्पर्श मेरी बात से सहमत? निगेटिव का क्या मतलब हुआ? देखो तो मैं पास स्लोप निगेटिव बताओ, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो उसकी टैन थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर टैन थीटा की वैल्यू निगेटिव, बताओ मैं एक्स में तो आगे जा रहा हूँ, पहले बताओ इसकी वाई की वैल्यू, ये वाई वन थी, बताओ जब मैं एक्स में आगे गया तो बताओ वाई की वैल्यू डिक्रीज नहीं कर गई, तो वही तो मतलब हुआ, एक्स की वैल्यू इंक्रीज की बट वाई की वैल्यू डिक्रीज कर गई। क्लियर? यहाँ कोई दो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं ध्यान दो, जैसे अगर जा नोट करिए, नोट करिए आप लोग, फिर मैं बता समझाता हूं इस पॉइंट को। देखो मेरी तरफ बेटा ध्यान दो, जैसे मेरे पास एक ग्राफ मैंने आपको दिया, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, समझना सब लोग। और ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया, कुछ ऐसे मैंने कर्व बना लिया। अब ये हमारे पास कुछ टाइम यहां पर ग्राफ स्टार्ट हुआ T1, ये यहां पर T2 और ये यहां पर T3। अब बताओ अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं T=T1 से T=T2 के बीच में जाऊं, इस पूरे कर्व पे जा, ध्यान से देखो, बताओ तुम कहीं पर भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पर भी बताओ, ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आया थी, हर जगह कहीं पे भी तुम यहां पे ड्रॉ कर लो, बताओ ये ऑब्ट्यूज एंगल ही तो होगा। मतलब अगर मैं T1 से T2 की बात करूं तो बताओ यहां पर स्लोप की बात करें, स्लोप बताओ टैन थीटा होगा, बताओ ये टैन थीटा मतलब क्या हुआ, dy/dx/dv/dt तो हुआ, बताओ ये वैल्यू आपके पास निगेटिव है। इस वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू आपके पास बताओ क्या है, निगेटिव वैल्यू आ रही। इस निगेटिव का मतलब समझ रहे हो आप क्या हो गया, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ यहां पर वेलोसिटी आपकी बताओ क्या हो रही है आपके पास, बताओ यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, यहां पर इस केस हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास एक्स भाई dv/dt एक्सेलरेशन होता है ना, तो ये एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं, बताओ इसी को तो हम बोल देते कि एक्सेलरेशन हमारा यहां पर निगेटिव है, और इस निगेटिव का मतलब बताओ ये रिटार्डेशन होता है, मतलब यहां पर मोशन कैसा हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए बताओ वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। बेटा सभी लोग जब समझना, मैं ध्यान से मेरी बात को, तो बताओ यहां पर वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, और कम होने का मतलब स्लोप यहां पर निगेटिव हुआ, हमने कहा टाइम बढ़ रहा है, बताओ वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब इस स्लोप को ही हम लोग नाम देते हैं एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है, और इसी के कारण स्पीड कम हो रही है। ठीक, अभी नोट मत करो, या रिटार्डेशन बोलो या डिसीलरेशन बोलो, एक ही बात है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इधर जा रहा हूं, अब मैं अगर इधर जा रहा हूं, बताओ यहां पे हमने अगर टेंजेंट कहीं पर भी ड्रॉ करें, ये पॉइंट ले लिया, बताओ ये टेंजेंट ले लिया, बताओ इन सभी में बताओ स्लोप क्या होगा आपके पास, पक्का स्लोप पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? तो बताओ अगर मैं T2 से T3 की बात करूं, मैं टाइम जो है ना T2 से बड़ा है और T3 से
इसमें बात करूं, बताओ यहां पर स्लोप टैन थीटा की बात करें, बताओ ये क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी होगा, और बताओ ये आपके पास पॉजिटिव हुआ, और इस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, टाइम इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, बताओ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये एक्सिलरेटेड मोशन हुआ। अब बताओ सभी लोग समझ पाए कि स्लोप का पॉजिटिव या निगेटिव होने का मतलब क्या है। जब यहां पर स्लोप आपके पास निगेटिव है, इसका मतलब टाइम इंक्रीज होता जाएगा, स्पीड आपके पास कम होती जाएगी। और जब मैं इस केस की बात कर रहा हूं, यहां पर स्लोप आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा, बताओ स्पीड या वेलोसिटी इसके साथ साथ इंक्रीज हो रही, ये दोनों में डिफरेंस। तो पॉजिटिव स्लोप आपको बताता है कि इसके साथ आपका दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज कर रही, निगेटिव स्लोप बताता एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा आपके पास डिक्रीज करेगा। बेटा ये जिसका डाउट था क्लियर है पूरी तरीके से? बेटा स्लोप और वेलोसिटी एक ही चीज हुई ना, तो अगर स्लोप निगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी भी निगेटिव होगा ना। अरे बेटा स्लोप जीरो पे आने तो दो, अभी तो आप इसी में फंस गया, अभी जीरो तक पहुंचे तो। बेटा हर पॉइंट को नोट कर लीजिएगा प्रॉपर। बेटा वेलोसिटी निगेटिव होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी, अब ये सब मैं आगे भी आपको डिफाइन करूं, जैसे कि ये डायरेक्शन, तो अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग कह देते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख देते हैं, तब निगेटिव लिख देते हैं। आपके पास स्पीड कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्लस वी का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वेलोसिटी, डायरेक्शन होता है प्लस माइनस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब यहाँ पे हम निगेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, स्पीड जो होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती। मेरी बात से सहमत? निगेटिव वेलोसिटी का मतलब है जिधर आपने पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इस पेन को मैंने, देखो मेरी तरफ ध्यान दो, इस पेन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, अब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो ये जो वेलोसिटी है पॉजिटिव है, और जब ये वापस पेन नीचे की तरफ आ रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। चले अब देखिए, ध्यान नोट कर लिया होगा सभी। अब एक पॉइंट यहां पर रह गया, अब अगर स्लोप आपके पास जीरो हो जाता है तब उस केस में क्या होता है। देखो अगर मैं स्लोप जीरो की बात करूं तो मेरे पास थ्री डिफरेंट सिचुएशंस हैं। देखो क्या है, अगर एक कोई पार्टिकल ऐसे है, मैं अब बात कर रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो आपके पास क्या है, एक कर्व हमें ऐसे मिल सकता है, दूसरा कर्व हमें इस तरीके से मिल सकता है, ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे, और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, या। अब देखो यहां पे अगर बात करें डी वाई बाई डी एक्स एक तरीके से स्लोप है, स्लोप जीरो होने का मतलब यहां पर देखो क्या है, बताओ स्लोप ऑफ टैंजेंट, बताओ यहां पर जीरो हो गया, बताओ यही तो इसका मतलब है कि एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे क्या हो गई, ये जीरो हो गई।
तो अगर किसी भी केस में स्लोप जीरो है तो वहां पे थ्री पॉसिबिलिटीज है। अब जैसे यहां पर ध्यान दो, अगर यहाँ पे स्लोप जीरो है, बताओ इसके अड़ोसी पड़ोसी नेबरहुड में अगर जाओ तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो अगर स्लोप जीरो है तो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, हमें वहां पर मिनिमा मिलेगा, मिनिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अड़ोसी एंड पड़ोसी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड पॉइंट हमें यहां पर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्लियर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब देखो इसको अगर चेक करो, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे और कहीं पे टेंजेंट का स्लोप जीरो नहीं आएगा, यहां पर टेंजेंट का अगर स्लोप फाइंड आउट करें, बताओ ये टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, यहां पर भी डीवाई बाई डी एक्स की बात करें, बताओ ये भी अगर कोई एक्स वन पॉइंट है तो बताओ ये एक्स वन पॉइंट, ये वैल्यू जीरो, और अगर वैल्यू जीरो है बताओ यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी के रिस्पेक्ट में बताओ क्या है, वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये हमारे पास मैक्सिमा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट्स। थर्ड सिचुएशन देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पर x1 के आगे की बात करूं, बताओ लगातार हर पॉइंट पे वैल्यू जीरो है, देख लो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर dy by dx लगातार जीरो है, अगर वो लगातार जीरो है, स्लोप जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन कॉन्स्टेंट क्यों है, देख लो हम यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं, y की वैल्यू लेट से y1 आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो कभी भी आपसे कोई कहता है कि मेरे पास स्लोप जीरो है, तो आप वहां पे नहीं क्लियरिफाई कर पाओगे वो क्या पॉइंट है, वहां पे थ्री पॉसिबिलिटीज के साथ हमें आंसर करना पड़ेगा, वहां पर या तो मिनिमा हो सकता है, वहां पर या तो मैक्सिमा हो सकता है, वहां पर या तो कॉन्स्टेंट फंक्शन जो लगातार फिक्स्ड वैल्यू रख रहा है। तो अगर मेरे पास कहीं पर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज, मतलब सेम नेचर सेम बिहेवियर। अगर स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब होता है अपोजिट बिहेवियर, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, पहला डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा। और अगर मेरे पास स्लोप कहीं पर जीरो है, तो स्लोप जीरो मतलब dy by dx जीरो का मतलब या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या वहां पे मिनिमा होगा, और या वहां पर आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। मेरी बात से सभी लोग सहमत? बेटा मिनिमा क्यों नहीं है, तुम्हारे पास तो उस पूरे कर्व की मिनिमम वैल्यू यही तो है, तो ये मिनिमा ही तो हुआ। इस पूरे कर्व की बात करें, बताओ इसके सब, बताओ सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये कहां अचीव कर रहा है, यहीं पे तो अचीव कर रहा है, तो ये मैक्सिमा तो हुआ भाई। अरे इसकी वैल्यू चेक करो ना, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये, अब बताओ इसके आगे जाओगे बताओ वैल्यू फिर से कम होने लगी, तो बताओ मैक्सिमा हमें कहां पर मिला, इस पॉइंट पे मिला, तो वही तो मैक्सिमा कमाएगी। अरे बेटा मैंने बोला dy by dx में तुम्हारा न्यूमरेटर वाला ये टर्म जीरो नहीं हो सकता, सॉरी डिनोमिनेटर वाला, dy तो जीरो हो ही सकता है, ये वैल्यू तो एग्जैक्टली भी जीरो हो सकती है, मैथ्स में न्यूमरेटर में तो जीरो आ ही सकता है, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता। मैं x1 के नेबरहुड में गया, मैं x1 के पड़ोस में गया, तो ये क्या हो गया, x1 plus dx हो गया, लेकिन इसके corresponding y में कोई change ही नहीं आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे dy by dx की value zero बोल दी। भावेश मेरी बात clear? बेटा slope zero मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस हर point पे tangent draw कर रहा हूं, और बताओ जब मैंने maxima पे tangent draw किया तो बताओ इस tangent का slope कितना है, zero है। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, जीरो है, इसलिए मैंने जीरो लिखा। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप बताओ कितना है, जीरो। तो बेसिकली स्लोप मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यही वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो, इसलिए मैंने वैल्यू को जीरो लिखा। बात क्लियर? अरे बेटा कैसी बात करो, जीरो से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते यार, तुम्हारे पास फाइव में से इंटू जीरो कर दो तो जीरो हो गया ना,
लेकिन 5 को यार 0 से डिवाइड तो नहीं कर सकते यार, तो बेसिक है भाई। तुम्हारे पास ये 5/0 इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। 0 से मल्टीप्लाई तो किसी में भी कर सकते हो यार आप। अर्पित बात क्लियर? ओके okay. अब देखो यार, अब बात करते हैं, ये तो हमने थोड़ी सी क्या बात की अभी, हर जगह पे हमने स्लोप, डिफरेंशिएशन, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप जीरो। अब एक बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की जगह X1 पुट करेंगे। अब हम लोग, मैं आपको ये समझाता हूँ हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy/dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूँ, क्लियर? अब ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग। अब एक एक फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करें। बेटा इसका एप्लीकेशन हम पहला चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे ना काइनेमैटिक्स, उसी में इसका एप्लीकेशन आपको आने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें बहुत टाइम बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करें। अब मैं स्लोप फाइंड आउट करने के मेथड देखता हूं, मतलब कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन की बात करें, y इज इक्वल टू c, c कोई भी कांस्टेंट है, कोई मुझे बताएगा y इज इक्वल टू c का ग्राफ क्या होगा? अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यह हुआ, बताओ कांस्टेंट मतलब ऐसे ही तो हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये अगर सी है तो बताओ ये किससे पास कर रहा होगा, 0, c। पहले तो ये कर्व सभी को क्लियर है, वाई इज इक्वल टू सी लाइन क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके एस लाइन है। ठीक, अब जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे वाई इज इक्वल टू 2, तो बताओ ये लाइन किससे पास कर रही होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0, 2 से पास कर रही होगी। मैं बोलूं वाई इज इक्वल टू -1, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस किससे पास कर रही होगी? 0, -1 से। मैं वाई इज इक्वल टू 5 लाइन की बात करूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस किससे पास कर रही होगी? 0, 5 से। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है जहां पे वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब बताओ ये सभी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? कितना हुआ स्लोप? टैन थीटा। थीटा कितना है यहां पर? एक्स है 0, बताओ इसका स्लोप 0 हुआ, हाँ या ना? तो एक बात मुझे यहां से समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ dy/dx। बेटा मैं तब ध्यान दो, पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ना है dy/dx, y अगर c के बराबर है मतलब dy/dx ऑफ c, मतलब मेरा क्या हुआ dy/dx ऑफ किसी भी कांस्टेंट की बात करें तो उसका जो है ना डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या हुआ? 0 हुआ। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे dy/dx ऑफ, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन? कोई पूछता है 2 का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 y इज इक्वल टू 2 लाइन, y इज इक्वल टू 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर 2 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अगर कोई पूछता है dy/dx ऑफ 5 क्या होगा? कितना? 0। कोई पूछता है dy/dx ऑफ -1 कितना होगा? 0। तो एक फॉर्मूला हमें याद आ गया, मतलब हमें मगअप करना है, फर्स्ट फॉर्मूला dy/dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा आपको क्या मिलेगा? वो 0 के बराबर मिलेगा। नोट करिए, और ये बात बहुत आसानी से पूरी क्लास समझ सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप आपके पास कितना होगा, वो जीरो के बराबर होगा। नोट करिए, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, हम लोग इसको बोलते हैं, इन शॉर्ट बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ टू, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएशन लिखा है। बात क्लियर? अब देखिए, ध्यान दीजिए सब, ये पहला हटाता हूं मैं, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो है। अब देखो अगला फंक्शन देखिए सभी लोग, ग्राफ में बना रहा हूं वाई इज इक्वल टू एक्स, बताओ ये कौन सा ग्राफ होता है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप कितना है? वन है ना स्लोप, भाई एक्स का कोफिशियंट बताओ यहां पर क्या है, वन आपके पास। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को इसका डायग्राम बनाऊं तो एक्स वाई, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन यही तो हुई, और अगर ये एंगल 45 है, यही 40, अब बताओ इसका स्लोप टैन थीटा होता है, और आपको पता है टैन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर। क्लियर? अब अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं, ये सेकेंड फंक्शन है, तो मेरे पास अगर मैं बात करूं, अब देखो ये तो हमने स्लोप निकाला, अब इसको कैसे कर दें, मेरे पास क्या निकला dy by dx, बेटा तब ध्यान दो dy by dx, y की वैल्यू x है तो dx upon x। अब देखो इसका मतलब ये नहीं होता है सर dx dx कैंसिल हो गया, ये d by dx of x एक्चुअली, इसको सही से देखा जाए d by dx of x है, इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखो क्या होती है, 1 होती है। क्यों पता हमें, क्योंकि हमें टेंजेंट से पता है इसका स्लोप 45 है, तो ये वैल्यू 1 है। तो अब बताओ यहां से d by dx of, पहला फॉर्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ सी मतलब कॉन्स्टेंट जीरो होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। नोट करिए, सभी लोग ग्राफ बनाइए, अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू के एक्स, जल्दी से y इज इक्वल टू के एक्स का मतलब है दिस इज स्लोप ऑफ, ये आपके पास क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन,
passing through origin with slope, कितना है बेटा स्लोप यहां पर बताओ, के बराबर है स्लोप यहां पर। अब बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं अगर, तो ये आपके इस तरीके से हुआ, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हुई, ये थीटा है और यहां पर स्लोप आपके पास इसके बराबर है विच इज टैन थीटा और ये के बराबर है। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन से कैसे कैलकुलेट करें, मैं तो बेटा ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की जगह क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। अब देखो एक बात ध्यान रखो, के बेटा कोई कांस्टेंट है, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया है कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो हमेशा ध्यान रखो के जो कांस्टेंट होता है वो ये जो हमने डिफरेंशिएशन करे उसके बाहर आ जाता है, मतलब ये k टाइम्स dx बाई dx, और अभी मैंने बताया dx बाई dx क्या होता है 1, तो ये वैल्यू क्या होगी k के बराबर। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए d बाई dx ऑफ 2x बताओ, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो 2 बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, ये हो जाता है सिंपली dx बाई dx, और dx बाई dx 1 होता है तो ये वैल्यू क्या होगी 2 आपके पास। अगर जैसे मैं यही बोलूं d बाई dx ऑफ माइनस 3x है, तो बताओ ये माइनस 3 कॉन्स्टेंट है तो माइनस 3 हमेशा इससे बाहर आ जाता है, सिर्फ यहाँ बचेगा x, और dx by dx 1 होता है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या हो गई माइनस 3। पहले तो एक बात सभी को क्लियर हो गई पूरी तरह, नोट करिए, बेटा तुम्हारे पास y इज इक्वल, बेटा ध्यान दो थोड़ा क्लास में, y इज इक्वल टू kx फंक्शन दिया है हमें, dy by dx निकालना था, y की वैल्यू मैंने kx पुट कर दी। अब मैंने कहा k अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट का मतलब 1, 2, 3, 4 या कोई भी फ्रैक्शन का नंबर, तो वो कांस्टेंट चीज बाहर आ जाती है, तो k बाहर आ गया। अब बचा dx by dx, और हमने पहले ही बता चुके dx by dx 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हो गई k के बराबर। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया मैंने d by dx of 2x है, बताओ 2 एक कांस्टेंट है तो 2 बताओ इससे बाहर चला जाएगा d by dx से। अब बताओ ये dx by dx हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर। यहां पर देखो ये माइनस 3 था तो d by dx of माइनस 3x, तो बताओ माइनस 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर चला गया। अब बताओ dx by dx क्या हो गया माइनस 3 के बराबर हो गया। दिव्यांश मेरी बात से सहमत? चले अब देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, ये हटाता हूं मैं, तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, d by dx of constant 0 होता है, d by dx of x 1 होता है, और d by dx of kx जो है ना वो क्या होता है वो k के बराबर होता है। देखो जब मैं फंक्शन लिखता हूं जैसे fx लिखा हुआ, fx का मतलब y कोई भी फंक्शन हो सकता है, बेटा मेरी तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग, मेरी तब ध्यान दीजिए, जैसे ये लिखा है y as a function of x, इसका मतलब होता है y कुछ भी x का फंक्शन हो सकता है, अब वो एक फंक्शन kx भी हो सकता है, x भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखो, जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब सर समझना मेरे तब क्या मतलब है इसका। जैसे मेरे पास दिया हुआ d by dx of एक फंक्शन है f1x, f1x का मतलब वो कुछ हो सकता है, x हो, x square हो, x cube हो, कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ठीक। दूसरा प्लस माइनस कोई f2x हो, थर्ड कोई प्लस माइनस f3x, ये तीन थ्री डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो ये कहता है जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स लिख सकता हूं प्लस माइनस डी बाई डी, मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एफ टू एक्स लिख सकता हूं प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ थ्री एक्स लिख सकता हूं। मतलब डिफरेंशिएशन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले तो ये बात सभी को क्लियर। अब देखो क्यों मैंने इस पे बात की, देखिए ध्यान दीजिए। अब मैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला ले रहा हूं वो फॉर्मूला है मेरे पास, फोर्थ की बात करें वो फॉर्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, के वन एक्स प्लस के टू। बताओ ये क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहां पर के वन क्या होता है स्लोप और के टू क्या होता है आपका बोलो y इंटरसेप्ट। तो मैं अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट जीरो कॉमा के टू, ये वो के टू है जिसे हम बोल रहे हैं वाई इंटरसेप्ट। और ये इसका वो स्लोप है थीटा विच इज टैन थीटा, और ये किसके बराबर है इसका स्लोप, ये के के बराबर है, के नहीं मैंने क्या नाम दिया है के वन। बात सभी को क्लियर है ना। अब देखो तो मुझे पता है इस स्ट्रेट लाइन का बताओ स्लोप कितना है, के वन है। अब मैं इसको किससे कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं हर बार लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता यार, तो मुझे तो डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएशन बेटा सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, डी वाई वाई डी एक्स क्या है इस बार, वाई की वैल्यू क्या है डी वाई डी एक्स ऑफ के वन एक्स प्लस के टू, ये आपका। अब बताओ मैंने क्या बोला, जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के वन एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के टू। अब बताओ के टू तो तुम्हारा कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, ये वैल्यू 0.1 से पास कर रही होगी, 0.2 से पास कर रही होगी, 0.5 से पास कर रही होगी, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। बताओ ये के वन एक कांस्टेंट है, अगर के वन कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया था डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाता है, तो बताओ ये हो जाएगा आपका के वन बाहर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स और इसकी वैल्यू तो जीरो और डी एक्स अपॉन डी एक्स वन होता है। बताओ फाइनली इसका भी स्लोप के वन ही तो आ गया, देख लो हमें स्ट्रेट लाइन से भी हमने इसका स्लोप के वन निकाला। तो हम अब ये कभी भी ये लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। नोट करिए, बेटा के टू मैंने बताया ना ये वाई इंटरसेप्ट, एक स्ट्रेट लाइन वाई पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपके पास के टू है। बताओ ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो कॉमा के टू, तो वही ये के टू जो ये लिखा होता है ये आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो के टू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी ना, वन टू थ्री माइनस वन माइनस थ्री, तो आपको पता है कॉन्स्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है जीरो, इसलिए वैल्यू जीरो हो गई। कृतिका मेरी बात से सहमत,
ओके अब देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, अब हम लोग जो है ना बार बार हम लोग अब ये लाइन ड्रॉ नहीं करने वाले, अब हम लोग सीधे फॉर्मूले याद करते हैं। अब चलो बेटा मैं ही तब ध्यान दीजिए सभी लोग। अब हम लोग पहला फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है, अब मतलब इसे डायरेक्टली हम लोगों को मगअप करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन जो है ना कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है। तो आपको अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बेटा इसका डेरिवेशन और ये सब मैं नहीं अभी बता रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, आपको ट्वेल्थ में इसका डेरिवेशन कराया जाएगा। तो अभी हमारा काम क्या है, हमें फॉर्मूले एज इट इज याद रखने। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ आपको जो मगअप करना है, बाकी अभी जितने भी फॉर्मूले थे उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन से भी डिफाइन कर सकते थे, अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बात सभी को क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे मुझे कैलकुलेट करना, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा नोट करना बंद करिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन, एन बताओ क्या है टू, तो टू बाहर आ गया, इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो बताओ ये टू माइनस वन आया, तो बताओ डी बाई डी एक्स आपका किसके बराबर आ गया, टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, टू एक्स। अब देखो ध्यान देना, अभी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था सर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं और वहां से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, बट हम ग्राफ बना नहीं सकते एग्जैक्टली, तो अब उसी के लिए ये मेथड है हमारे पास। अब ले किसी ने हमसे पूछा कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मुझे स्लोप चाहिए, बेटा मैं ही तब ध्यान दीजिए, देखो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको गिवन ऐसे ग्राफ होता है, ठीक। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर मुझे बेटा इसके में डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने बताया ना ये मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है, फिजिक्स का होता है तब हम इसको डिराइव कर रहे होते। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सभी लोग देखिए, अब जैसे किसी ने हमसे पूछा मुझे एक्स इज इक्वल टू वन पे स्लोप फाइंड आउट करना है, वन कॉमा जीरो, ध्यान से अब बताओ, मैंने कहा वन कॉमा जीरो पे फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बताओ उसी का तो स्लोप फाइंड आउट करना है, थीटा वन। अब हम इसको ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते, देखो इसके लिए क्या है, ये है आपका, बताओ डी बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना एक्स स्क्वायर का, कहां पे एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो बताओ इसका डेरिवेटिव किया मतलब डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, टू एक्स। अब टू एक्स आया, एक्स इज इक्वल टू वन इसमें पुट कर दो, बताओ इसका स्लोप क्या हुआ, टू, मतलब मेरे पास टैन थीटा वन की वैल्यू बताओ क्या हो गई, ये टू। इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक लाइन में हमें मिल जाता है आंसर। अब कोई कहे नहीं भाई ये नहीं मुझे सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है ये वैल्यू है टू कॉमा जीरो, अब मुझे इसका स्लोप बताओ टू कॉमा जीरो। अब देखो मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे ये फाइंड आउट करना है थीटा टू। अब देखो हम डिफ्रेंशिएशन तो कर ही चुके हैं ना ऑलरेडी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें, अब मुझे x इज इक्वल टू टू पे निकालना है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही है टू एक्स, बस करना क्या है x को क्या पुट कर दें, x इज इक्वल टू बताओ स्लोप कितना हो गया, फोर। अब समझ में आया हमें क्या कहता था, टी वन पुट कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा, टी टू पुट कर दोगे टी इज इक्वल टू टी टू टाइम पे स्लोप आएगा, टी थ्री पुट करोगे टी इज इक्वल टू टी थ्री। देखो अब एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब बस हमें अलग अलग पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, सिंपल x वन पे पुट करना, अब कोई कहे नहीं x इज इक्वल टू जीरो पे पुट करना, अरे क्या कलाकारी है, अभी पुट कर कैलकुलेट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कहां पे पुट करना है, x इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है डेरिवेशन, डेरिवेटिव जीरो इसमें पुट करो, बताओ क्या आंसर होगा, जीरो।
और ये बात तो लॉजिकल भी है, देखो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप कितना होगा, वो जीरो आया। पहले तो मेरी बात समझ में आई सभी को, क्यों डिफरेंशिएशन पे हम बहुत स्टिक हो रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा। और जबकि अगर इसको तुम ग्राफ बना के करो तो अलग अलग पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर एंगल फाइंड आउट करो, फिर उसका टैन थीटा वन फाइंड आउट करो, फिर टू पे जो है ना स्लोप फाइंड आउट करो, थीटा टू फाइंड आउट करो, फिर उसका टैन थीटा टू फाइंड आउट करो, तब कहीं स्लोप मिलेगा। और जबकि ये आपका जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्टली आपको वैल्यू देता है। मेरी बात से सभी लोग सहमत हो पूरी तरह? नोट करिए बेटा, हाँ फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो लेट जैसे मेरे पास दिया हुआ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स दिया हुआ, ये दिया हुआ, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, यही तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा आपका, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, बताओ ये एक्स की पावर माइनस वन हुआ। मतलब हमें हर चीज को एक्स की पावर एन में लेके आना है। अब बताओ यहां पर अगर एन की बात करें, एन की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन मतलब माइनस वन बाहर आ गया, इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, तो बताओ ये कितना आ गया, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आ गया, दिस इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरी बात से सभी लोग सहमत हो, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अभी बात कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, जो होता है फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। मैं आपको बेटा डायरेक्टली ये फॉर्मूले भी याद करा सकता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्लोप और इस सब चीजों को रिलेट किया मैं स्किप कर देता ना, यहाँ से यहाँ पे आपको बहुत कन्वीनियंट लगता, लेकिन फिजिक्स में एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगते, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप क्या मीनिंग है। तो जो इसके पहले वाली कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से समझिएगा। ये तो सब फॉर्मूले इनको तो आपको डायरेक्टली मगअप करना है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट इसके पहले जो मैंने पढ़ाया कि स्लोप पॉजिटिव है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, स्लोप निगेटिव है उसका मीनिंग क्या है, स्लोप जीरो है उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला मगअप करना है, कुछ नहीं इसमें है कलाकर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व, कर्व जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 एट जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो। चालू हो जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली समझिए, ये कह रहा है फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 10x प्लस 9, ये कर दिया, और कब, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, आंसर बताइए। हाँ बेटा बस एक बार बताओ, बार बार क्या बताना मैंने,
तो कई सारे लोगों ने मुझे आंसर, कई सारे लोगों का गलत भी आंसर है। देखो बेटा मैंने कहा ना, समझिए, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। देखो मुझे क्या चाहिए, स्लोप मतलब डी बाय डी एक्स, ये वाटर बॉटल दो, डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ आपके पास। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस 10x प्लस 9, यही तो हुआ। अब बताओ ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, बताओ। 9 का तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट है। अब बताओ 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर 10 कांस्टेंट है, डीएक्स बाई डी एक्स, डीएक्स बाई डी एक्स 1 होता और ये तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस का ये 10, क्योंकि डीएक्स बाई डी एक्स 1, ये कितना हो गया बताओ, 8x प्लस 10 हुआ। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 10 स्क्वायर 10x प्लस 9, बताओ इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। बट मुझे कब पूछा गया था, मुझे x इज इक्वल टू 0 पे पूछा गया था, तो डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 9, बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो बताओ ये वैल्यू आपके पास x 0 पुट करना है तो 8 इंटू 0 प्लस 10, बताओ कितनी वैल्यू आई 10 के बराबर। अगर कोई मुझसे पूछता डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें x इज इक्वल टू 1 पे बताना है तो प्लस का 10x प्लस 9, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते थे तो बताओ कितना हो जाता, ये होता 8 इंटू 1 प्लस 10, बताओ स्लोप 18 हो जाता। चले तो पूरी क्लास मेरी बात से सहमत है, मीनिंग समझ में आया ना, क्या मीनिंग है इसका। तो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का स्लोप आपके 10 होगा। ये बता रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका स्लोप कितना होगा, वो 18 होगा। अभी ये सब इतना ऐसे प्रॉपर करने की, आप एक लाइन में आंसर करने लगोगे, अभी तो फर्स्ट क्लास है इसलिए हम प्रॉपर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली आप आंसर करने लगोगे। तो सभी लोगों को बेटा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया ना, कोई भी केस डायरेक्टली कर लोगे ना। अब थोड़ी सी कलाकारी और करते हैं, थोड़ा सा इसको और हम लोग, बड़ा सिंपल वे है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओके बेटा मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दीजिए। अब मेरे पास अभी एक्स था, अब मेरे पास था क्या है, इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब मुझे ये फॉर्मूला डिफाइन करना, बट आप सभी लोग नोट करना बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर फंक्शन एक्स का है तो हमेशा हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर फंक्शन टाइम का है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा ध्यान रखो दोनों चीजें सेम होगी, ये एक्स का फंक्शन है तो ये एक्स का फंक्शन है। ये अगर टाइम का, अगर यही कोई कहे मेरे पास ये दिया हुआ डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर एन, अरे क्या प्रॉब्लम है। देखो अब क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन टाइम का है तो हम स्लोप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोप निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन। अरे सहमत, हर जगह एक्स लिखा हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, हो सकता है इसी को ऐसे कोई लिख दे डी वाई की पावर एन अपॉन डी वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन है तो बताओ ये क्या होगा, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन। क्लियर सभी को,
मतलब हमेशा जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो मेरी बात से इतना सहमत हो सब लोग, बेटा जा इसको वहीं पे नोट कर लो एक बार, जहां पे आपने ये एक्स वाला फॉर्मूला नोट किया वहां पर ये दो फॉर्मूले भी नोट करो। अब मेन अब इस वाले फॉर्मूले को हमें डिस्कस करना है। अब देखो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर एक काम करो ना, इसको फॉर्मूला है इसको ओपन कर लो। अरे जरूरी थोड़ी है ये स्क्वायर का हो, मेरे पास फंक्शन कुछ ऐसे दिया 2x + 3 की पावर 99 आता है फॉर्मूला, मुझे तो नहीं आता है इसका फॉर्मूला। अरे ऐसा नहीं है एन की वैल्यू 2 है 3 है तो हमने बड़ा आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे करते हैं अब इसकी बात करते हैं। देखो बेटा मैं ही था, सभी लोग ध्यान दीजिए। हम इस पर्टिकुलर मेथड को नाम देते हैं चेन रूल बोलते हैं। ये चेन रूल एग्जैक्ट मेथड पे ध्यान दीजिए सभी लोग। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेट, ये जो ax प्लस बी इसको एक नया नाम देते हैं टी दे देते हैं। लेट टी इज इक्वल टू ax प्लस बी, मतलब जो ax प्लस बी फंक्शन था उसको हमने एक में चेंज कर लिया, हमने कहा इसे t है। अब t यहाँ टाइम नहीं है, कुछ भी एक t हमने मान लिया है। अब बताओ ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, dy dx ऑफ बताओ t की पावर n आ गया। अब बताओ ये फंक्शन ऐसा तो कुछ हो गया ना, हमें ये फंक्शन पता है dy dx ऑफ x की पावर n, n इंटू x की पावर n माइनस 1। अब ये उसकी तरह तो हो गया बट एक प्रॉब्लम हो गई यार इसमें। हम क्या कह रहे थे, अगर फंक्शन एक्स का है तो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। बेटा ध्यान दो सभी लोग, यहां पर क्या है ये फंक्शन किसका है टी का, और हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स, नहीं हो सक कर सकते ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डीटी डीटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर डीटी डीटी कर दिया मैंने। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं d t की पावर n अपॉन dt और इनटू बताओ क्या आ गया, ये कितना आ गया यहां पर बताओ, मैंने यहां पे dt बताओ ये dt by dx आ गया। पहले तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन, किसी कोई ऐसी बात, मैंने कुछ नहीं किया dt dt से मल्टीप्लाई किया, अब इस dt को इसके साथ मैनेज कर दिया, dx को बाहर ले आया dt by dx। अब बताओ ये फॉर्मूला मेरा स्टैंडर्ड बन गया कि d by t की पावर n अपॉन dt, इसको तो मैं डिफाइन कर लूंगा n into t की पावर n माइनस 1। तो ये इतना तो फॉर्मूला मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई n into t की पावर n माइनस 1, कोई समस्या नहीं। अब प्रॉब्लम भैया ये dt by dx की वैल्यू कहां से निकालें, तो बताओ dt by dx की वैल्यू कहां से निकालेंगे, हमने t को क्या पुट किया था ax प्लस b, तो बताओ यहां पर dt by dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d by dx of ax plus b। बताओ a तुम्हारे पास कांस्टेंट है तो a बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा dx by dx, और ये क्या हो जाएगा dv by dx। बताओ अगर इसकी बात करें ये जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, बताओ dx by dx बताओ इसकी वैल्यू a के बराबर आ गई। पहले बताओ क्या मेरे पास dt by dx की वैल्यू a के बराबर आ गई, बताओ इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे लिखूं तो a, अब बताओ क्या मेरे पास आंसर हो गया a टाइम्स n। अब t की वैल्यू क्या थी जो हमने लेट किया था, उसको पुट कर दो ax प्लस b की पावर n माइनस 1। पहले बताओ चमका या नहीं चमका, बेटा ये फॉर्मूला नहीं था याद करना है आपको ये, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं हमें याद करना है, हमें मेथड याद करना है किस मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। बेटा सभी लोग पहले नोट करिए, अरे शिवांश बेटा कहां से लॉग ले लो, फंक्शन नहीं चेंज हो जाएगा लॉग ले लेंगे। अब इधर मेरी तरफ ध्यान दो,
बेटा ध्यान दो, मैंने कुछ ऐसा स्पेशल किया नहीं, आपको कहाँ लटक जाते हो? ये ax प्लस बी की पावर n है, हमें पता है कि मेरे पास सिर्फ x एक वेरिएबल होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इस ax प्लस बी को नाम t लेट कर लिया। जब ax प्लस बी को t लेट कर लिया तो बताओ मैंने यहाँ पे क्या हो गया, d बाय dx ऑफ t की पावर n। अब तुम्हें पता है अगर ये फंक्शन t का है तो डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, बट यहां पर कौन सा फंक्शन है बच्चा, x है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dt dt से डिवाइड कर दिया। अब बताओ इस dt को हम इधर ले गए तो d into t की पावर n अपॉन dt ये हो गया, और बताओ यहां पर बताओ क्या आ गया, dt by dx आ गया। अब मुझे dt by dx की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ t अगर तुम्हारे पास ax plus b है तो dt by dx का मतलब क्या हो गया, d by dx of this। अब बताओ यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बताओ a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर चला गया, और ये बताओ d by dx of b, b कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, dx by dx 1 होता है, तो बताओ dt by dx की वैल्यू a के बराबर आ गई, तो dt by dx की वैल्यू a पुट कर दी, a into n, t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, ये हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, मेरे पास आंसर। पहले तो बात सभी को क्लियर, पक्का करिए जरा डिफरेंशिएशन एक। चलो डिफरेंशिएट करो बेटा, कोई डायरेक्टली ये नहीं, ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करके अपना प्रॉपर करिए। भैया आज डिफरेंशिएशन का कोई असाइनमेंट अभी नहीं है, जितना मैंने बस कराया उसको रिवीजन करके आइएगा सर। बेटा ये ए और बी कांस्टेंट तो गिवन होगा, देखो यहां पे 4 और 9 तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट है ना, अरे जब मैं ए और बी लिख रहा हूं तो इसका मतलब कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या, जो एक्स है जो टी है वो वेरिएबल है। हाँ अब देखो कैसे इनिशिएट करते हैं, देखो मैं ये 40 प्लस 9 है तो हम क्या करेंगे, लेट हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको, हमने कहा लेट कैपिटल एक्स लिख देते हैं, किसके बराबर है 40 प्लस 9 को, हमने कैपिटल एक्स लिया। एक बार फिर से समझिए सभी लोग, तो बताओ ये क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ बताओ कैपिटल एक्स की पावर 250। अब बताओ ये एक्स का फंक्शन ये टी भाई नहीं चलेगा, तो बताओ क्या किया इसमें मल्टीप्लाई डी एक्स, अब तुम कुछ भी लेट करो, तुम एक्स मैंने किया तुम वाई ले लो, कुछ भी लेट कर सकते। अब बताओ ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 250 अपॉन डी एक्स, और मल्टीप्लाई में बताओ क्या आ गया, डी कैपिटल एक्स बाई डी टी। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, x की पावर 250 माइनस वन, ये तो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अब लेकिन बचा हुआ ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात करें तो बताओ कैपिटल x क्या था 40 प्लस 9, बताओ d कैपिटल x बाई डी टी क्या हो जाएगा, दिस इज d बाई डी टी ऑफ 40 प्लस 9। अब बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे तो d बाई डी टी ऑफ 40 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9, बताओ 9 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी क्या होता है 1, तो बताओ इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो बताओ डी एक्स बाई डी टी की 4 आ गई, तो बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई 1000। अब कैपिटल एक्स को क्या लेट किया था 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 की पावर बताओ 249। ऐसे कितने लोग हैं बेटा जिन्होंने मेरे से पहले सही सॉल्व कर लिया था, हैंड रेज करिए बेटा, कितने लोगों ने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया था।
बाकी बेटा जिन लोगों का गलत हुआ है नोट करिए क्विकली। अब देखो बेटा एक बात, अब इसको हम मैथड तो पता चल गया कि कुछ चीजें हम लोग इतना टाइम नहीं होता यार, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, बाकी तो हमें ऊपर अभी फिजिक्स तो लगानी होगी ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैथ्स को हम ऐसे सॉल्व करें। तो हम इसको डायरेक्टली देखो कैसे बात करते हैं। देखो मैं इधर बेटा ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, कोई ए और बी कॉन्स्टेंट है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब इसको ध्यान रखना बहुत, अगर तुम्हारे पास ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर मतलब यहां पर जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री वन होनी चाहिए, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन दिया है, अगर तुम्हें इसका लिखना है तो बताओ क्या करो, एक्स का जो भी कोफिशियंट है उसको बाहर लिख लो और इसमें सीधे सीधे वही फॉर्मूला लगा दो, एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ये तुम डायरेक्टली कर सकते हो, तुम्हें इतने स्टेप करने कोई जरूरत नहीं। अभी रुक जाओ, नहीं नहीं चमका ना, मुझे समझ गया। देखो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो था बेटा ध्यान दीजिए मेरी तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस, ये तो पूरी क्लास को मगअप हो गया फॉर्मूला, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं कि ये ए एक्स प्लस बी ये डिग्री वन होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए 4t+9 10t+3, मतलब लीनियर अगर इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम टी या एक्स की पावर वन है, तो हम क्या करते हैं जो एक्स का कोफिशियंट है, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, हम उसको बाहर लिख देते हैं, वो a बाहर आ गया, और इसको सिंपली जो है ना ए एक्स प्लस बी की पावर n को ऐसे सॉल्व करते हैं, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। बताओ वो डायरेक्टली आपके पास, बताओ वो यही हो गया, बात सभी को क्लियर है ना। अब जैसे इसका तुम्हें डायरेक्ट निकालना, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है यार। अब देखो ध्यान से बेटा सभी लोग, बताओ ये t का फंक्शन, बताओ इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, वन है ना, t की पावर वन, ठीक है, तो इसकी डिग्री एक तरीके से वन है। अब बताओ क्या करना, जो भी एक्स का या टी का कोफिशियंट उसको बाहर लिख लो, तो बताओ ये बाहर आ गया 4। अब इसमें डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया एन माइनस वन, मतलब 249 इंटू 4t+9 एन, मतलब 250 इंटू 250-1। बताओ ये डायरेक्टली तुम्हारे पास आ गया, तो इसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो भी एक्स या टी का कोफिशियंट है उसको बाहर रखो और यहां फॉर्मूला क्या लगा दो, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, बात क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, जब मैं आपको कोई कंसेप्ट या ट्रिक बताता हूं ना, तो आप लोग उसका मिसयूज बहुत करने लगते हो, और मिसयूज जब करते हो ना तो आप गलत कर देते हो क्वेश्चन। अब मैंने ये लास्ट ईयर वाले बैच में बताया, ये मैंने समझाया उनको, कुछ क्वेश्चंस दिए, क्या किया हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगा दिया। ये हमें जो ट्रिक बताते हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए ट्रिक कहां पर एप्लीकेबल है। देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, लेट मैंने फंक्शन दिया आपको डी बाई डी टी ऑफ 4t² + 9, बट अभी नोट मत करना, की पावर 10, ये दिया। अब बताओ जो मैंने ये ट्रिक बताई, बताओ इस केस में एप्लीकेबल है या नहीं, बस इतना आंसर करो, एप्लीकेबल ट्रिक है या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर कितनी है, 2, मैंने क्या बोला टी की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो भैया इसके लिए क्या करें, फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या करेंगे इसके लिए, कैपिटल एक्स लेट कर लिया 4t² + 9 को, तो बताओ ये क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर 10। अब भाई यहां पर x है, यहां पर t है, नहीं सॉल्व कर सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dx dx से मल्टीप्लाई किया,
अब बताओ इसको रीअरेंज कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 और इनटू बताओ क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स। अब अगर टी आपके पास 40 स्क्वायर प्लस 9 है तो बताओ डी टी बाय ये एक्स सॉरी कैपिटल बताओ डी कैपिटल एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा, दिस इज डी बाय डी टी ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 9। बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूटिव वाला मैं बताओ 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी टी स्क्वायर बाय डी टी और ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ 9। बताओ 9 एक वैल्यू है तो बताओ ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन टू माइनस वन, बताओ कितना हो जाएगा 8t। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस वन और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी हो गई 8t। बताओ ये ओवरऑल वैल्यू 80 इंटू टी, बताओ एक्स की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 40 स्क्वायर प्लस 9 की पावर कितनी है 9। पहले तो ये आंसर सभी को बात क्लियर है, मतलब ये बहुत ध्यान रखिए कहां पर ये डायरेक्ट ट्रिक लगती है और कहां पर हमें प्रॉपर पूरा सॉल्व करना पड़ता है। बट आप नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को। यहां पर इसलिए डायरेक्टली बेटा लगाया क्योंकि यहां पर टी की पावर 1 थी और ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए डिग्री 1, तो इसलिए हमने डायरेक्टली एक्स टी का कोफिशियंट बाहर रखा एन इंटू एन माइनस वन लगा दिया। बट यहां पर पावर 2 थी तो फिर हमने अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस से किया। तो बच्चा लोग आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आपका क्या है, जो मैंने अभी कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, जितना मैंने कराया बस उसको रिवीजन करके आइए। कोई भी डाउट होता है तो कल ये 7:30 पे क्लास रिपीट होगी, उसमें आप कंप्लीट करें या फिर आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, जो कंसेप्ट नहीं आया वो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। बात सभी को क्लियर, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।